अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। न जाने कब कहां कैसे किस परिस्थिति में कौन सा रास्ता चुन लिया। उन रास्तों पे चलते हुए उन्हें पता नहीं चला कि मंजिल क्या होगी, बस चल दिए। आमतौर पर लोग मंजिल को देखकर रास्ता चुनते हैं, पर उन्होंने तो सिर्फ रास्ता चुना बिना ये तय किए कि अंजाम क्या होगा। मंजिल का अंदाजा नहीं था उन्हें, वो चार मंजिल की तरफ जा रहे थे या मंजिल उनकी तरफ आ रही थी, पता नहीं। हाँ सृष्टि बेटा शॉपिंग करके मॉल से सीधे घर जाना। हाँ अपनी फ्रेंड्स के साथ इधर उधर मत चले जाना, मैं शाम को थोड़ा घर लेट पहुंचूंगा। हाँ अच्छा बेटा। पार्किंग लॉट में फायरिंग करता है और उसे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि पुलिस उसे पकड़ लेगी। कारण काम है सारू के, क्योंकि हम बचाने का वादा करने के बाद बचा तो नहीं पाते, लेकिन वो साले धमकाने के बाद मार जरूर डालते हैं। मेरी मीडिया कंपनी हमेशा की तरह करप्ट और एंटी सोशल एलिमेंट्स का मुंह काला करती रहेगी। मुझे क्राइम ही खत्म चाहिए सारू के। ऑलवेज रिमेम्बर, इफ यू कांट सेव द इनोसेंट ऑलवेज किल द बास्टर्ड। मैं ऐसे लोगों के चेहरों से नकाब हटाता रहूंगा। थैंक यू। मिस्टर पवार, जैसे मीडिया मोगल पे जानलेवा अटैक होता है, पुलिस क्या स्टेप्स ले रही है? Isn't it a failure of Mumbai police? एक मिनट, investigations are going on. At this stage, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती, but yes, हमने मिस्टर पवार को सिक्योरिटी ऑफर की है और अश्योरेंस दिलाया है कि इस केस को जल्दी से जल्दी क्रैक किया जाएगा। मीडिया में कुछ लोगों का कहना है कि आपके डिपार्टमेंट के लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि मिस्टर पवार की बेबाकी से उन्हें खतरा है। No more further questions. That's it. Shall keep you updated. Thank you. Underworld से अपने रिलेशन के बारे में पूछने पर डिपार्टमेंट चुप क्यों हो जाता है? Several top cops accused of being with Underworld. Why don't you take any stand? Accused और convict में फर्क होता है मैम।
जब आप मीडिया वालों को किसी अक्यूज के बारे में पता चल जाता है तब आप मीडिया वाले उसके पीछे पागलों की तरह पड़ जाते हैं, अक्यूज को लाइमलाइट में लेकर आते हैं। उसी अक्यूज को जब हम हिरासत में लेते हैं तो आप मीडिया वाले ह्यूमन राइट्स की दुहाई देते हैं। व्हाई डोंट यू मेक योर स्टैंड क्लियर फर्स्ट? मैम, आई सेड नो मोर फर्दर क्वेश्चंस, विल कीप यू अपडेटेड। ये बात है अनवंत, चोरन का पता ना चला के मालूम ना है कि पुलिस सट्रेट हो रही है, ढूंढ रही है वो साड़ा पवार, साली टिश्यू पेपर से गांड धोने वाली, साला जिसके पीछे पड़ा बर्बाद कर दिया। और तू सोचे साला इंटरेस्ट ही ना ले रहा काम में? धीरे, अरे अरे नहीं सरकार, ऐसे कैसे आपके काम में इंटरेस्ट नहीं होगा है? बस क्या है, कभी कभी ड्यूटी भी कर लेते हैं, तब हमारा मैनेजमेंटल जो है थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है बस है? लेकर ससुरे मारा काम कब करेगा? जब पुलिस मुझे घर से ठा के चुत्तड़ों पे लठ बजाएगी तब। राम 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 राम, अरे ऐसा कैसे बोल रहे हैं? और फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं इतना? अरे हम है ना, अरे वो हनुमान जी अपने पुच्छी में आग लगा के लंका राख कर दिए, रावण ढूंढ निकाले, वैसे ही हनुमान सिंह भी अपने पिछवाड़े का जोर लगा के दो चार खरदूषण तो ढूंढ ही लेगा। आप निश्चिंत होकर के आराम कीजिए। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रिलैक्स, टेंशन लेने का काम हमारा है, छोड़ते हैं अभी। साला गांड भी पट रही और शेर भी देखना है, अरे इतना ही पटता तो कहां शेर देखने निकल जाते हैं बे। धरनाओं का ऐसा समंदर जिसकी लहरें साहिल पे पहुंचने से पहले ही खुद को काट रही थी, और शायद उन्हें इस बात का एहसास भी था। उन बेबाक लहरों में एक अजीब सा शोर था जो शायद आने वाले सन्नाटे के बारे में कुछ कहना चाह रही थी। महकू का भतीजा बिटवा, वैसे तो सबसे छोटा है लेकिन मस्करी में बाकी सब इनके बिटवा लगते हैं। कहते हैं ना, देखन में छूटन लगे घाव करे गंभीर। भैया ट्रेन आ रही है। ये है चंद्रभान, महकू का बड़ा बेटा ना होके भी उसके बड़े बेटे जैसा ही है, और इस अफलातून बटालियन में थोड़ा बहुत समझदार होने का गौरव इन्हें ही प्राप्त है। चल। अरे भैया, हाँ? वो लोहा काहे में डाल के लाल कर रहे थे? चुप साले, एक जिपुआ मिली थी उसका सरिया निकाले थे, और किशनगंज वाला मिला था साला कानूनची, बहुत कानून झाड़ रहा था भाई, समझा क्या है? अटका कहा है रे? या चोद निशाना अगर सही जगह पे लगा तो तेरा गोटा गया। ये है अटका, इसका असली नाम तो शायद अब ये भी भूल चुका है। जवानी की शुरुआत में ही भाई साहब जन्नत की सैर करने गए थे, वहां क्या अटका पता नहीं, पर तब से ही अटका के नाम से ही जाने जाते हैं। Thank you.
साथ साला, ये तो बिल्ली का लिद है, इसमें क्या होगा रे? लोगों का विश्वास है भगवान से उड़ गया, ऐसा फेंकना पानी में बंद कर दिया, गंगा जी को बेवकूफ बना। ए भैया सलाई अठन्नी देखिए, ससुर सलाई भी नकली है, हट फेंको मत। क्या यार कितना खटमन हो गया बे? ये है महकू काका, बस इन्हें खुद को बुढ़ा कहलाना पसंद नहीं, ये करना तो सब कुछ चाहते हैं पर इनसे होता कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ये तीनों इनकी जान है और ये इन तीनों की जान। हाँ बुढ़ाऊ तुम्ही को काटते हैं, वो भी सही जगह पे आदमी देख के। चप्पल को खटमल को बताए का हम कहाँ काटे कहाँ ना काटे हैं? कितना हो गए? 9 रुपया 25 पैसा। अरे 9 रुपया 25 पैसा। अरे चलो चलो एक आमलेट खाते हैं, है? बहुत भूख लगी। अच्छा आमलेट खाते हैं तो इतना पैसे में तुमको आमलेट भी चाहिए? वो भी अंडा? ए बुढ़ाऊ अंडा नहीं मुर्गी आ जाएगा इतना में। हट और का? अच्छा तो हम एक काम करते हैं, एक मुर्गी खरीद के लाते हैं, उसकी गड़िया में हाथ डालते हैं, 4-5 अंडे निकालते हैं कच्चे पक्के और तुम तीनों को उसका आमलेट बनाकर खिलाते हैं। इतने पैसे में तुम्हारी मौसी भी ना नाचे। ए भैया सुनो ना एक काम करते हैं, ट्रेन वापस बुलाते हैं ठीक है, और इस बार पानी में साला ये बुढ़ऊ कूदेगा और फिर देखना पिछवाड़ा कैसे फटके किवाड़ होगा, साला सारा बम बोले भर आ जाएगा। अरे भिटवा, अरे एक दो अंडे के लिए काहे गंगा जी में कूदवा रहे हो हमें है? देखो बेटा अंडा तो हम खिला देंगे, आमलेट भी खिला देंगे, पर बताओ ये जो पिंकलिया है ना, इसका नाच देखने को मिल जाता ना अगर रात को तो पुष्पा का सब मन पसंद हो जाता। अरे वाह बुढ़ऊ तुम्हारी जवानी में उफान है साला, हाथ मोमबत्ती पैर अगरबत्ती, एक पैर केले के छिलके पर दूसरा कबर में, टिकलिया का नाच देखेगा रे बुढ़ऊ, नाच देखेगा तू है? अरे नाच तो आंख से देखना भाई, पैर हाथ से थोड़ी देखना यार। ओए होए नाचती है तो साली जान ले लेती है। वही तो हम बोल रहे थे। ये पगला भूल गया किशनगंज के बाबू साहब से भी तो मिलना है। साला ये बात तो हमारे दिमाग से स्लिप ही कर गया। साला उस दिन फोन पे बड़ा फैंटम बन रहा था, कहाँ मिलेगा ससुरा? चलो फील्डिंग लगाते हैं। साला कैसा उल्टा जमाना आ गया बे? पहले रिक्शा लूटो और फिर रिक्शा पर बैठ के जीप कर लो, और एक मोटरसाइकिल मिल जाता तो पुष्पा का सब मन पसंद हो जाता है। ए बड़ा तुम्हारी मोटरसाइकिल चलाने की नहीं, मोटरसाइकिल के नीचे आने की उम्र है। चंद्रभान। हाँ बाबू। कहाँ है गड़बड़ छिका के बैठा है रे? हाँ ऐसे मन किया क्या सड़क पर बैठकर खेला जाए? रम्मी खेल रहे हैं भाई। चूतिया समझ के रखा है का? चल निकल ले। कहाँ है गरमा रहे हो बाबू? आओ यहाँ यहाँ बैठो, आओ एक एक हाथ हो जाए, आओ बैठो। फोनवा में समझाया समझे नहीं का? चल निकल ले, निकल बे, चल। अरे भैया छोटे भाई है आपके, भैया बोल रहे हैं बैठिए, निकल खेल लीजिए बैठ के। डिपरिया रहे थे, साला अभी डिपरिया हो? ले बेटा चमकार है, साला हमको चमकार है। अरे भैया पेट्रोल है कि नहीं उसमें? पैर पे लेके जा रहे हैं ठीक है ना भैया? ले पकड़ चंद्रभान, तू हमको अभी जानता नहीं है, बहुत महंगा पड़ेगा। साला तुमको कि भैया का मिशन होगा मत साला। अरे जल्दी कर, पिंकलिया का नाच छूट जाएगा इसकी माँ का। चलो बुलावा आया है, टुंकलिया ने बुलाया है। ओ राख भरी इस चूल्हे में कोई गाने वाला हो,
कामिनी रसीली खटीली रसीली कामिनी रसीली खटीली रसीली चक्के का ही काम करना है का? अरे चोरी करना है तो बड़ा करो, कब तक बिल्ली मारोगे बे? शेर मारने का काम दे रहे हैं का समझे? तो क्या चाहता है, कल से मंदिर में गीता पढ़ाने लग जाए? काम क्या है वो तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दे कि तनिको लहरा एक बहुत भारी बिलंडर हो जाएगा। मिस्टेक का कोनो स्कोप नहीं है, कहा है कि अगर शेर बच गए क्या समझे? कभी तो एक पैक लाके बोलो भैया। अरे भैया कब तक एक ही पैक पे अटके रहोगे? कभी तो एक पैक से आगे बढ़ो। पीले नहीं तो दारू बुरा। अरे चंद्रभान, अरे पीले भाई पीले ना।
आज तो पी ले। अरे हम तो साला दबा के पिएंगे। पुष्पा से दूर दूर जा रहे हैं हम, पता नहीं साला कब लौटेंगे अब। ये भाई मतलब काम होने के बाद पैसा वैसा मिलेगा तो फिर हमें देसी वैसी नहीं पिएंगे भैया। देखो हम पिएंगे टोटल अंग्रेजी, वो ठाकुर साहब जो पीते हैं काला कुत्ता बोल के का। चला अब देखो फिर भैया एक काम कीजिएगा, हम बारात लेकर पुष्पा के घर जाएंगे हैं, और उसको डोली में बैठा कर घर लेकर आएंगे और फिर इसका घूंघट उठाएंगे। अरे साला तुम लोग दबा के बौरा के डांस करोगे क्या करोगे तुम? अरे अभी तो हाथ में जाम है। अरे तेरी माँ का कितना काम है। ये मैं कभी ये काम इतना आसान नहीं है। ए भैया अपना क्या बनी तो बनी नहीं तो सलाह गली। अरे ए अब्दुल कौन है भाई? अरे सो गया। कहाँ हुआ भैया? कुछ नहीं। लोड में लग रहे हो? अरे छोड़िए ना भैया, बस एक बार का सवाल है, हम सबकी जिंदगी बन जाएगी। अरे हम बस इसलिए जिद कर रहे थे। ये पूर्णिया नहीं है, यही तो चिंता है हमको। मुंबई शहर है, यहाँ की पुलिस भी बड़ी सतर्क है। तुमसे हम कह रहे थे, तुम अपनी जिद पर रहते हो ना। चलो ठीक है, तुम और मैं रहते तो सब कुछ संभाल लेते, साला दौड़ के निकल जाते गेम बजा के। मैं को आ रहा है, बिटवा साथ है, हमको इनकी चिंता है यार। इन दोनों के बिना हम रह भी तो नहीं सकते ना भैया। भैया काका बच्चों ने बताया था ना कि एक लकड़ी को तो टूट जाती है पर गठरी को तो नहीं टूटती। हम चारों साथ है ना भैया, तो साला काम होगा कैसे नहीं। बस हम चारों साथ होने चाहिए। बिल क्लिंटन के यहाँ चोरी कर लेंगे, बस एक बार मेरी बात मान लीजिए। समझ रहे हैं यार, लेकिन साला ये मुंबई शहर बहुत बड़ा शहर। कुछ देर उन अनजाने रास्तों पे चलने के बाद उन्हें पता चला कि मंजिल वहीं बैठे उनका इंतजार कर रही थी। अरे कोई लेने नहीं आया यार। चलो लखनऊ के पापा की बेटी की शादी में आए, कोई लेने नहीं आया। पगला गया बुढ़ो। चलो क्या कर रहे हो यार, चल रहे हैं ना, उतरते ही मूड खराब कर रहे हो यार। अरे भैया दिखाओ एक बार। चल अरे इसकी माँ का देखो, खुलने में सबके सामने। अरे हम तो साला खेत में जाते थे। कमाल है यार, कैसा शहर है भैया। फंस जाते कहाँ है वो यार। अरे जूता पॉलिश करना है तो उधर बैठ के करो ना अपनी जगह पे। हम खा मुंबई उतरते ही मूड बनवा दिए। आपका पोस्टर फाड़ के अंदर खिंचाओगे हैं? चला तुम्हारा भी बढ़ापे में बहुत फन बनाता है। अरे देख ही तो रहे हैं यार, बताओ कितना गंदा करते हैं साले। अंधे लौड़े फौज में दो पगला गए साले। आप क्या कर रहे हैं भैया? कुछ नहीं, बस ये अनुमता बोला था कि स्टेशन के बाहर गली पे खड़े रहना, फोन करेगा। कैसे बाहर नहीं? अरे बाहर तो चलिए, बाहर जाएंगे तो फोन करेगा वो, यहीं से फोन करेगा। चलिए चल। अरे चलो यार, कब से कह रहे हैं चलो, कब से मांग रहे हैं। हम खड़े थे वहां पर और खुद आगे से देख रहा है, हम पीछे खड़ा। अरे क्या क्या चल रहे हैं काका, साइड पीछे मत देखो, चलो सामने। एक्सक्यूज मी योर टिकट प्लीज। हमरा भी इसी में। हाँ ठीक है।
भैया कहाँ सोच रहे हैं, चलिए। हाँ चल तो रहे। अरे इसकी माँ, नमस्कार। वाह रे मुंबई शहर। ए चल रे भैया, भीड़ तो देखो, सामान रख के मेले में भी इतना भीड़ नहीं होता। अब बकचोदी बंद करो साले। तू भी आईडी प्रूफ दिखा। काका ये आईडी प्रूफ दिखा। उका होता है। अरे भैया हट। एसीबी क्राइम ब्रांच चूतिया समझेगा पुलिस को। हाँ कह रहे किधर चोरी करने का प्लान है? बोलो। हाँ बोलो सर। हाँ मिल गए चारों मिल गए। हाँ इधर ही ठोक दो क्या चारों को? चलो मुंबई का भीड़ भी कम हो जाएगा, प्रमोशन भी मिल जाएगा। वैसे भी चिरकुट लोग जी के क्या करेंगे सर? सर ऐसे लोग गोली मार रहे हैं, हम कर मार रहे हैं भैया, निकल ये तू पीछे गोली मार रहे हैं। चल 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 भाई का मार। ओए चको ए मैं को ए इधर आ। अरे गजब हो गया सरकार, हमको तो लग रहा कोई बहुत भारी ब्लंडर हो गया। वहाँ के पुलिस को लौंडों के बारे में कैसे पता चल गया? अरे न मत आप ससुरा फेफड़ा बाहर आ जाएगा। अरे ससुर इधर गोटा का माल हो गया। और आप के हलाली देने से पहले लबत जांचनी पड़ो है। छोरन ने कुछ ना होगा मारा आदमी था यो। चेक कर रहा था कदी गांड में कुद्दा है भी करनी। अरे मालिक तुम्हारा ये कुदा चेक करने का आदत किसी दिन हमारी चमड़ी उतरवा के रहेगी, बता रहे आपको। कल हम खुद मुंबई आ रहे हैं, आके बात करते हैं। तब तक कृपा करके रहम करके हमारे पिछवाड़े में तीतर बोना बंद कीजिए आप। छोड़ते हैं अभी, कुदा चेक कर रहे थे पता ही सर। कहां इतना टेंशन आ रहे हो हैं? जब हनुमंतवा बोला फोन पर किसका आदमी आ जाएगा तो उसका आदमी आ जाएगा, कहां इतना टेंशन कर रहे हो हैं? अरे कहने का कोई जरूरत नहीं है, दो ही तो काम है इनके, एक टेंशन लेना और दूसरा टेंशन देना। का सही तो कह रहा है। अरे काहे मुंह फुलाए बैठे हो, का हो गया सड़क रो, आसमान थोड़ी टूट गया, पकड़ा गए बड़ो। लंबा जिएगा, वो आ गया। आइए भैया आइए। ओहो दामाद जैसा सेवा हो रहा है। अरे लाओ यार बिना मंगाए चाय। अब का भगवान से मिलोगे बुढ़ऊ? हैं बुढ़ऊ के लिए अखबार भी? आओ लड़ऊ, पढ़ना उड़ना आता है कि ऐसे अखबार लाड़ की तरह ले लिया। अरे हट पड़ गया साला, सातवीं पास क्या कर लिया, हमें चौदना सिखा रहे हो तुम? और सातवीं हम ही पास करवाए थे सरकारी स्कूल में, लौंडिया नहीं छेड़े होते तो दसवीं पास करवा देते वही के वही। बात करता है अब देखो, तीसरी कक्षा में हम पांच बार यानी कि पांच साल रहे तो इस हिसाब से पांच और कितना हुआ, छह सात आठ, आठवीं पास हुए कि नहीं? अरे वाह। तो फिर सला हमारे बाबूजी हमारी नींव मजबूत करना चाहते थे, अब ससुर नींव तो मजबूत हुई नहीं, हम ही तीसरी कक्षा में मजबूत हो गए। सलामी। अरे पागल हो गए हो का? अरे इज्जत दिल में होना चाहिए, मुंह से बोल दो सलाम बस हो गया। ए बुढ़ाऊ सलामी तुमको नहीं, तुम्हारे बाबूजी के कले देखो जो तुमको एक ही कक्षा में पांच बार झेल गए बुढ़ाऊ। मैं तुम्हारी तो साला अटका नहीं, आज तुमको खूंटी पे ना अटकाया तो हम इधर बुढ़ाऊ है हम। ऐसा बोल बोल बोल, हम बुढ़ाऊ है, बुढ़ाऊ बोल रहे हमको। पुष्पा भाभी अभी तक लाइन देती है हमको टन समझे। भाई ने भी जलाए। अरे नमस्कार,
कितना प्यारा बच्चा है, है? दिखने में भी भरा पूरा लगता है, हुँ? पर तुम्हारे बाबूजी को कोई और नाम नहीं मिला? नहीं मतलब कुछ भी रख देते, पप्पू टप्पू नुन्नू लुरिया, कितने नाम हैं, पर ये भी कोई नाम हुआ भेदेला? ए, दिमाग का दही मत कर, तौसिफ नाम है मेरा, तौसिफ, समझा? तुम लोग के वास्ते भाई ने घोड़ा भेजेला है। ए बिटवा, ए चल उठ उठ, ए चल चलते हैं भाई। चलिए। अरे ई लमलेट बौरा गया है ससुरा, अरे इतना बड़ा काम घोड़ा पे बैठ के करना पड़ेगा है? अरे हम काम करेंगे कि घोड़ा चलाएंगे? देखो भाई, एक टाइम पे एक ही काम हो पाएगा, या तो काम करेंगे या घोड़ा चलाएंगे, और नहीं तो काम हम करेंगे घोड़ा तुम चलाना, और घोड़ा हमसे चलवाना हो तो फिर काम तुम खुद ही कर लो। ए बाबा बके चुप, दो मिनट के लिए मुंह बंद रख, घोड़ा का मतलब ये घोड़ा समझा? घोड़ा जेब में पकड़ 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 पकड़। अरे बुढ़ाओ, दो मिनट मुंह में निप्पल डाल के बैठा रहो यार। अरे पर निप्पल है कहाँ? अरे जब भैया बात कर रहे हैं, अरे बीच में बोलता रहता है। अरे समझाओ इसको यार। देखो भाई, अगर आप लोग बोल रहे हो तो हम चुप बैठते हैं, वरना पुष्पा कसम बोलने का मन बहुत कर रहा है हमरा। चलो तुम सब। माचिस है क्या किसी के पास? आओ यार तुम, चलो गमछा ले लो। साला इतना बड़ा मुंबई में रहता है और माचिस तक नहीं रखता इसकी माँ का। चल बड़ो किधर है बे? बीड़ी माचिस लेने गए हैं। ये है मुंबई के खुफिया लोगों का अड्डा। क्या तौसीफ भाई, क्या बन गया? अरे तो मस्त, ये अपन के पंटर लोग हैं। छक्का मंडाई अब क्या भाई, चालू है ना? चल 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 चल, गेम चालू रख। क्या फिल्टर पुजारी सेट? हाँ यस साला, आमची मुंबई। अपन यहाँ पे ना राज करता है, समझा क्या? तौसे भाई, सामान तो तैयार है, लेकिन ये तीन नमूने कौन है? बिल्लो के वास्ते सामान चाहिए, समझा क्या? ये ले। हैं, कभी पकड़ा है क्या हाथ में? तुम कभी ना पकड़े मुझ लेते हो? अरे इसको हम लोग चोटियां लग रहे हैं का? फालतू बकैती चुतना बंद करोगे, बताओगे ठोकना कब है? आज ठोकने का है। क्या है, लास्ट टाइम पे कोई सीन शॉट होना नहीं मांगता, इसलिए बोला, समझा क्या? सियासती अंगार मुतरेला है, कभी चलाया क्या? ए, साला येड़ा है क्या? कमाल है, क्या बात है, कमाल। कमाल है, नापचिक, एकदम नापचिक। ए, आज गन पॉइंट टू करेगा, समझा क्या? बाद बाकी के ये लोग ना तेरा बैकअप करेंगे, समझा? ए, लड़ने समझे काम को, फोन बंसी बजाने आए, मर्डर ही तो करना है, कोनो चील का पिसाब ढूंढना है, गोली हम भी चलाएंगे। ए सुन रे, ये हमारा छोटा भाई है, साला गोली हम चलाते ना तो गोली ही हो चलाता है, गोली ये भी चलाएगा, ठीक है? तो समझा? समझा यार, कोई भी गोली चलाए क्या है, अपन को निशाना लगने से मतलब है, समझा क्या? चला जा, चलो चल भाई लोग, चलो भैया, चलिए भाई, मजा आ गया। ए, भाऊ, बहुत हो गया टाइम पास, अभी थोड़ी देर में पार्टी आने वाली है। पार्टी? उसको ठोकते ही 8 लाख तुम्हारे। ये अटका भाई, ये अटका, तू पीछे से बैकअप देना, समझा? हमको सब पता है, क्या करना है मुझको, समझा मत मुझको। फाइनली डन, लास्ट प्रैक्टिकल भी अच्छा हुआ। हो गया। अच्छा, वी मीट इन द वेकेशंस ना? I don't think so. इसकी अबे साले ठोके क्यों नहीं? साला साला की भयानक में चला, साला हाथ मिल गया। अबे तो ये क्या, वहाँ पे अपनी मैया चुरा रहा था। सर चोर, भैया से कुछ मत कहना,
वरना एक बड़ा अभी किया है तो सभी कर देंगे। और लौंडिया चाहिए ना तो कल ठोक देंगे। आप ज्यादा बकचोदी करना बंद करो, समझा? चल अभी अभी मिले खबर के अनुसार ठाकुर मेडिकल कॉलेज के बाहर एक शूट आउट में कॉलेज का वॉचमैन मारा गया। हाय सृष्टि, हाउ इज योर डे? पुलिस का कहना है। व्हाट आर यू वाचिंग? अरे ये कब हो गया? ये तो मेरे कॉलेज के वॉचमैन है। पापा मैं अभी वहीं से आई हूँ। कितने अच्छे आदमी थे वो। सृष्टि तुम चेंज करो, जाओ, गो। हेलो, हाँ ब्रेकिंग न्यूज़ तो मिल गई होगी, शूटआउट में कॉलेज का वॉचमैन मारा गया। अब शॉकिंग न्यूज़ सुन, टारगेट वॉचमैन नहीं थारी लौंडिया थी। ए रणा, ए आवाज ऊंची ना कर, तेरे चैनल की आवाज जितनी नीची रहेगी तू और तेरे खानदान की जिंदगी उतनी लंबी होगी। इसे मारी धमकी नहीं, मारी एडवाइस समझ। बड़ी प्यारी है तारी लौंडिया। मुझे धमकी दे रहा है? लगता है तेरा आज तक किसी शेर दिल मराठा से पाला नहीं पड़ा है। ना मेरी आवाज नीची होगी और ना मेरे चैनल की, समझा? शेर जब दहाड़ता है ना तो उसकी आवाज हमेशा बुलंद होती है। हमें अपनी हिफाजत करना आता है, पहले तो अपने आप को बचा। ठसण के बाद मालूम पड़े सड़िया किन्ना गर्म था। क्या हुआ? हाँ अबे नसीब अच्छा है तुम लोगों का, हाँ कि अपुन के भाई के लिए काम कर रहा है, क्या समझा? भाई ने बोला है टेंशन नहीं लेने का, मूड फ्रेश करने का। अब आगे क्या करने का है वो भाई बाद में समझाएगा, समझा क्या? मुंबई देखेगा, मुंबई झक्कास मुंबई। सही नहीं है भाई, भैया लोड ले लिए पूरा अपने ऊपर और हमको देखो साला इधर में ये अरे मौसमी का जूस पी रहे क्या इधर यार ये यस अरे समझ में कोई सुनता भी तो नहीं है सब लल्लू चप्पल कमाले बुढ़ो मौसमी का जूस यहाँ अरे आओ यार पप्पी थोड़ी ना मांग रहे तुम भी देखो कुछ देसी फैंसी का इंतजाम करो ना बहुत तो गला सूख रहा हम तू जा 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 कुछ तो भी भेज दिया भाई तुम करो ना यार इंतजाम कुछ वो भी
और वो भी ए ब्रो, तेरे लिए मैं भी देसी का भी इंतजाम करता हूँ और इसका भी करता हूँ जुगाड़। ए पक्या, अरे भाई तो पक्या, अरे जगह कौन सा? यही पे, यही यहाँ सबके सब। भाई देखो यार, क्या जमाना आ गया यार, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या क्या हुआ भैया? गुल्ली काहे नहीं चलाए? लौंडिया को देखते ही रह गए, इतनी खूबसूरत लग गई का। यार कुछ समझ में नहीं आया हमको, उसको देखे तो हम बस एकटक देखते ही रह गए। साला दिमागी काम करना बंद कर दिया, वो तो तुम ठीक वक्त पर गोली नहीं ठोकते तो साला इज्जत का कचरा हो जाता। भैया साला आपके पीछे तो हम हमेशा सही है, और हमरे रहते आपकी इज्जत को कभी बट्टा नहीं लग सकता। भैया को हमसे पहले ही चढ़ गई, बहुत प्यार करते हैं भैया से। अरे बहुत प्यार करते हैं हम बहुत नफरत करते हैं सालों तुम तीनों से। क्या देसी मंगवाए थे, कब से देसी नहीं ला रही है वो बिट्टिया मेरी। रे मैकू, साला तुम ना रहते तो ना ये रहता, ना ये रहता, ना मैं रहता, तो अस्तित्व क्या रहता? साला गोली ठोकते नहीं तो जेल में सड़ते। ऐसे माँ का सड़ते कैसे? ऐसे I love you. समझ में नहीं आ रहा। तू साला माँ हम लोग की माँ, साला माँ का, उसकी माँ का, उसकी माँ का, सबकी माँ का, मैकू का। मेरी बेटी को इस बात का शक नहीं होना चाहिए कि तुमने पुलिस उसकी सिक्योरिटी के लिए लगा रखी। आप टेंशन मत लीजिए, वो किसी को नहीं पहचानेगी। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी अपनी जिंदगी आम लड़कियों की तरह जिए, पहले उसकी मां नहीं है, और फिर उसे यह भी पता है कि उसके बाप को जान से मारने की धमकी मिली हुई है। इतना सब वो कैसे बर्दाश्त करेगी? ये तो अच्छा है कि कॉलेज बंद है और वो घर में ही रहेगी। मैंने अपने सारे पुराने नौकरों की छुट्टी कर ली है, क्योंकि अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। आप बस इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी पुलिस वाला वर्दी में नहीं होना चाहिए। वर्दी में तो तब होंगे जब वो पुलिस वाले होंगे। क्या मतलब? आपकी बेटी की सिक्योरिटी के लिए मेरे पास चार लोग हैं, पुलिस वाले नहीं है, इसलिए कोई भी उन पर शक नहीं करेगा। आप बस अपनी बेटी को इतना बता दीजिए कि घर में चार नए लोग रखे काम करने के लिए। क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? Of course. जरूरत पड़ने पर क्या मेरी बेटी अकेली उनके साथ रह सकती है? हाँ सर। सर आप मुझ पर भरोसा करते हैं कि नहीं? यस यस। तुम लोग को यहाँ काम करने का है या अपने पास रखो? तुम लड़की के साथ रहना और ठोकना ऐसे वक्त में जब लड़की अकेली हो। अटका भाई, ये पिस्टल और ये साइलेंसर मौका मिलते ही साइलेंसर लगा के ठोक देना, समझा क्या? और काम खत्म होते ही सीधा लॉज में, वहां पे तुम्हारे पीआर का टिकट और पैसा दोनों, फिर तो तुम और तुम्हारे 8,00,000 रुपए, समझा क्या? भाई अंदर में तुम्हें दूसरा आदमी मिलेगा, मेरा काम यहीं पे खत्म हो गया, वो तुम्हें अंदर में सब समझा देगा, समझा क्या? ठीक है ना भाई? ठीक है, काम होने के बाद वो हाँ वो करते है ना। सामान निकाल लेना। जी
किससे मिलना है? जी मिस्टर पवार हैं, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था। अच्छा आइए। चलो भैया चलो। पापा पापा कोई आया है आपसे मिलने? क्या नाम है आप लोगों का? हम महकू हैं। बिटवा। अटका। चंद्रभान। सृष्टि बेटा जी, पुराने नौकरों की जगह आज से ये लोग हमारे घर में काम करेंगे, तुम्हारी देखरेख करेंगे, ठीक है ना बेटा? जी पापा। काम मालूम है ना? हाँ हाँ जी जी हाँ हाँ मालूम है मालूम है मालूम है ना? ये तो काम मालूम है हाँ? हो सके तो आज दिन में इस लड़की का गेम बजा दो। मैं पवार को लेकर बाहर निकलता हूं, अब जो मिलेगा ना वो 8 लाख के ऊपर का बोनस है। और याद रखना, तुम्हारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर तुम्हें लड़की को मारकर निकलना है, पवार के सामने नहीं मारना। ऑलरेडी एक मिसफायर कर चुके तुम लोग। ये आप लोगों का एडवांस, पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी लेकिन शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जब जी धन्यवाद। सृष्टि बेटा जी, इन लोगों को घर दिखा दो। ओके आइए। अब घर देखते हैं। आप लोगों ने सुबह से कुछ खाया है? जी नहीं। कहा पानी लेंगे? वाह खाना खिलाया जा रहा है, वेरी गुड। अच्छा है, दोस्ती हो जाएगी तो तुम्हें भी एडजस्ट करने में मुश्किल नहीं होगी। अच्छा बेटा हॉस्पिटल से तेरी दादी को लेकर आता हूं। हाँ पापा। अपना ख्याल रखना है, इसका ख्याल रखना जी। सिर्फ 10 मिनट। ओके बाय पापा। बाय बाय। चले एसी पी। ओके मैं फ्रेश होके आती हूँ, आप लोग खाना खा के जी वो उस वाले रूम में रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा बाय। कमाल की सोच रहे हैं भैया, लौंडिया मत देखिए, हमको तो 7-8 लाख दिख रहा है। बंदूक दो अपनी। क्या बात है भैया, दो दो बंदूक से शिकार। साला 2 मिनट के लिए हमको लगा कि भैया लौंडिया को देख कर फिसल गए, पर अब नहीं भैया। माल तो साली चबराहट है, मक्खन है, हाथ लगाते पिघल जाएगी। पिघलने से पहले हाथ लगा लें कहा। पकड़ चदी बंद करो। क्या इशारा करके गया? हमें मारना है, मारने आए हैं। बुढ़िया आ जाएगी उसके बाद मार नहीं पाएंगे। अरे टेंशन काहे ले रहे हैं, बुढ़िया के आने से पहले दोनों काम हो जाएगा। और आप बड़े हैं, पहला अधिकार आपका बनता है। ले पप्पू दे गीता, केक कटेगा सब में बटेगा। अगर चुदी बंद करोगे तुम, हम पेशाब करने जा रहे हैं, आके मार देंगे। पहली बार काम करने से पहले मुंह उतारी है आपको। बुढ़िया के आने का वेट कर रहे हैं क्या?
ऐसा तो नहीं कि मेरा भैया उठा 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 ससुर मुक्त कैसे हो गया? औकात में रहो अटका, औकात में रहो तुम, समझाओ मैं को इसको। अरे मूतरे में भी गणित ढूंढ रहा है, क्या करें इसका? मार दो मार दो। दरवाजा खोलो। अरे अरे लौंडिया हाथ से निकल जाएगी, चले चलो। अरे सोच कर रहे हैं, मौका दोबारा नहीं मिला, जल्दी चलो। अरे जल्दी चलिए ना। ये गोली चलाइए भैया, मारिए गोली, गोली चलाइए जल्दी से। अरे पगला गए, देख कर रहे, गोली चलाइए, मारिए गोली, सबकी जिंदगी बदल गई भैया, मारिए गोली। आई मत, आई। साले बच गए। अरे पकड़ा गया। अब समझ में आया कि तभी से कैसेट का ए और बी साइड साथ साथ क्यों बजा रहे थे। सही कहते हैं कि लौंडा जब शीशा ज्यादा देखने लगे ना तो समझ जाओ कि नई नई चांटे आ रही है। अटका अटका, ये लोग कौन है? ये वही लोग हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, सृष्टि की सिक्योरिटी के लिए। मैं एक मिनट में आया। ये क्या किया, क्या है ये सब? जी वो समंदर की लहरों में नमी बहुत ज्यादा होती है, अच्छे अच्छे लोग जंग खा जाते हैं। बस चेक कर रहे थे कि हमारे हथियार में जंग तो नहीं लग गया। वो गलती से आपका गुलदस्ता टूट गया, हमारे पगार में से काट लीजिएगा। हम माफी चाहते हैं इस बात के लिए। उसूल वाले बनते हो, आगे से याद रखना इस घर में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां तुम किस लिए आए हो ये सिर्फ मैं जानता हूं। मेरी बेटी को शक नहीं होना चाहिए जी, यहां तक कि अगर सिगरेट पीनी है ना तो अपने कमरे में जहां तुम रहने वाले हो, मेरी बेटी के सामने नहीं। खाने खा सकते हैं जी। अब सुरतिया नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पिछवाड़े में सृष्टि। जी पापा आई, दो मिनट। चलो तुम लोगों को तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। जी और तुम्हारे पिछवाड़े में चलो यार, चल नहीं है क्या? दादी ओह दादी, पता है मैंने आपको कितना मिस किया। पापा तो फुल टाइम काम में बिजी रहते हैं, मैं अकेले घर में बोर हो जाती थी। अब आप आ गए हो ना, हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। हाँ। और मुझे ना आपके साथ बहुत सारी मूवीज देखनी है। जरूर जरूर। ये तुम लोगों का कमरा है? जी हाँ। सृष्टि मेरी जिंदगी है जी, इस घर की शान है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि तुम उसकी हिफाजत पूरी ईमानदारी से करोगे। जी जी। ये रही चाबी, खाना खाने के लिए तुम्हें ऊपर आना पड़ेगा जी, अब भूख लगेगा तो। ठीक है। धन्यवाद।
अच्छा किया जो तू खुद आ गया हनुमंत। हाँ, और अब आपको फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स हो जाइए आप। हा? मैं कोई बालक देखे हूँ के मौका मिला नहीं लॉलीपॉप दे दी। अरे आप मैटर तो बताइए। ले रामायण पढ़ ली, ससुरा अब पूछ रहा है कि सीता किसकी उड़गाई थी। ये साड़ा पवार रोज टीवी पे दिखाता है मारी प्रॉपर्टी, मारे पीछे पड़ा है साड़ा। मैं सरकार को टैक्स नहीं देता, मैं टैक्स नहीं भरता, रे क्यों दूं? मेरे पाप का है, कोई रंडी नेता की थोड़ी नकमा है। हथियार बेचता हूं वो भी अपने कलेजे पे। आप शांत हो जाइए, काम हो जाएगा। घंटा कॉलेज के बाहर नहीं ठोका रे, जब किड्डे कांड में बलबल आ रहे हो ना तो दांत मांझने से कुछ नहीं होता। पता करके सीने उन्हें बुलाया क्यों था, इसलिए कि मुंबई के छोरे ये काम करेंगे तो बवाल हो जाएगा। साड़े अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मुझे कुछ कुछ करना पड़ेगा। नहीं साहब, पैसा लिए हैं आपसे, काम तो यही लौंडे करके देंगे आपको, वो भी फास्ट। आप थोड़ा सा ठंडा रहिए, जब तक कि मैटर ठंडा नहीं हो जाता बस। पर्चा लगाते हो स्टंडर भान को फोन। हनुमंता का फोन, बात कर। हेलो, कहा चंद्रभान? कहा बोले थे तुमसे? हैं? मिस्टेक का कोनो स्कोप नहीं है, पार्टी से एडवांस ले चुके हैं। इस बार अगर गलती हुआ तो कलेजा निकाल के मटन का दुकान पे टांग देंगे, बता रहे हैं कसम से। दरोगा जी, जानते हैं गलती हो गया, कॉलेज में निशाना चूक गया, अब फिर घर में ठोकने वाले थे तो वो पवार खुद आ गए। अरे हरामखोर साला, सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे होगा। हैं? किस सीढ़ी पकड़ने वाले थे, गैन मौके पे आके सांप निकल गया। हमको तो लग रहा है कि हमसे गलती हो गया, आदमी चुनने में। आप भी समझने की कोशिश कीजिए ना, आप ही ने तो बोला था कि छोकरिया को बाप के सामने नहीं मारना, यही तो प्रॉब्लम हो रहा है। अपनी गलती के लिए माफी चाहते हैं। ए चंद्रभान, कपार में डाले रखना, तुम्हारा बहुत सारा कंप्लेंट है हमारे पास। इसके बाद अगर माफी मांगनी पड़ी तो सीधा भेज देंगे ब्रह्मा जी के पास। उनके पास जाके मांग लेना माफी, थोड़ा अपने लिए और थोड़ा बहुत हमारे लिए भी, क्या समझे? छोड़ते हैं। लाज बढ़ते जादव, सब कुछ जानते हुए भी राणा के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मैडम, वो मुंबई से कम ऑपरेट करता है और अपना काम करवाने के लिए आदमी लाता है यूपी बिहार से, हर जगह पैसे उसका, हरियाणा राजस्थान, अपने डिपार्टमेंट में भी उसकी ऊपर तक पहुंचे। एनकाउंटर एक खत सुपा है। यस जादव, समटाइम्स वी हैव टू वर्क एज इंसेक्टिसाइड्स, देयर इज नो वे आउट। लेकिन मैडम मीडिया, उसको भी तो जवाब देना पड़ता है। मीडिया का क्या? नहीं, ये न्यूज़ दिखाकर मीडिया पैसे कमाएगी? कमाने दो, मीडिया को अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे। सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हम इस तरह से काम करते रहेंगे, फिर चाहे मीडिया उस पर से पैसे क्यों ना कमा ले। चिंता नहीं करें जी ज्यादा। आपने क्या बोला, राणा यूपी बिहार से लड़के बुलवाकर क्राइम करवाता है, हम यूपी बिहार से पुलिस बुलवाकर राणा को खत्म कर देंगे। सिंपल। Technically he's a white collar guy. Black होता ना तो भी चलता, but I don't like this grey. I hate grey. वैसे बिहार से पुलिस मंगवा ली है मैंने, फिर देखते हैं जो होगा। कॉफी ज्यादा हो? Yeah. ठंडो ही। अरे यार, काहे मुंह फुलाए बैठे हो दोनों यार, क्या बात है? अरे हम मुंह फुलाए बैठे हैं, जो टेंशन इनको हो रही है इसकी जिम्मेदारी खुद ही है। अरे काहे ठोके लौंडिया को? हाँ यार, बात करते हैं। काहे नहीं ठोके तुम? है अभी तक हम बिहार के ट्रेन में होते, 8 लाख हमारी जेब में होते, और फिर थोड़ा पुष्पा का भी तो ख्याल करो। चंद्रमान भैया एक बात बताओ यार, हुआ क्या है? हैं? साला लक्ष्मी चलकर तुम्हारे पास खुद आ रही थी,
और तुम कह दिए ससुराल बिजी है, क्या बात है यार? अरे नहीं मार पाए यार, पता नहीं साला फायर ही नहीं हुआ। सच कहें तो एक क्षण के लिए हम डर ही गए थे, शायद मारेंगे उसका पापा आ जाएगा, पता नहीं क्यों ऐसे वो वहां से निकल नहीं पाएंगे। अब हमारे जान की चिंता होती तो बात कुछ और थी, चारों की जान की बात थी, बस नहीं मार पाए। ये बात पहले नहीं कह सकते थे? तुम सुनने के लिए तैयार थे? गोली नहीं चली तो हमको फर्जी डाउट हो गया कि भैया फिसल गए। अरे छोड़ो यार, तुम तो साला जब देखो फिसल गए फिसल गए। अरे कुछ अच्छा बोला करो, मुंह में बवासीर जमा लिए हो का? बेकार में फालतू में भैया को बेचा। क्या हो रहा है? जी बातें कर रहे थे। वहां सृष्टि किचन में काम कर रही है और आप लोग यहां आराम से बातें कर रहे हैं। जाओ उसके इर्द गिर्द काम करते हुए दिखाई दो जी, उसे ये लगना चाहिए कि तुम इस घर में काम करने के लिए आए हो। काम, और याद रखना कि दोबारा मुझे कहने की जरूरत ना पड़े। जी हम कहीं नहीं जा रहे, हम सो रहे हैं। अरे क्या बोल के गए, सुने कि नहीं तुम लोग? अरे यार हम तो यार अच्छी भली सुरती खा रहे थे कि प्रेशर बन जाए साला, अब ये बुलाने आ गए। जब से मुंबई आए मां कसम ढंग से हद भी नहीं पा रहे हैं। तुम जाओ। हम जा रहे हैं। जाए जाए जाए। तो साला बाथरूम में पत्थर का कटोरा रखा, उस पर कुछ होता नहीं है। सृष्टि जी मैं चंद्रभान चंदू, मेरे लायक कोई काम, मैं आपकी मदद करूं? बताओ अब आ रहे हो जब सब काम खत्म हो गया? अरे इतने सीरियस क्यों हो, मैं मजाक कर रही थी। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, अगर होगा तो मैं बुला लूंगी, ठीक है? एक्चुअली चंदू जी, जी। मुझे थोड़ा हेल्प कर दो सैलेड काटने में। गाजर? हाँ। आप कुक नहीं हो जी। मुझे पता है आप कुक नहीं हो। दरअसल मैं आपसे एक सच्चाई कह रहा हूं जी। वो ठंडा पानी लेने आए हैं। हाँ फ्रिज में निकाल लीजिए। अरे एक मिनट, दिलचट्टे से आप इतना डर गई? दिलचट्टा? व्हाट दिलचट्टा? ये कॉकरोच है, फ्लाइंग कॉकरोच। बचपन से मुझे सबसे ज्यादा डर कॉकरोच से लगता है। व्हाई यू लाफिंग? नहीं बस ऐसे ही, झिंगूर से डर गई आप। मुझे पता है आप कुक नहीं हो, आपकी बीवी खाना बनाती होगी घर में। मेरी शादी नहीं हुई। What? आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है? नहीं। अच्छा एक्चुअली मुझे मॉल जाना है कल, आप मेरे साथ चलोगे? आप गाड़ी चला लेते हो? हाँ चला लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं आपको मॉल भी दिखा दूंगी। मॉल क्या क्या होता? मैं दिखाऊंगी, ठीक है? कल सुबह। हाँ। ससुर कितना काम कर रहा है आज। क्या करूं, मैं करूं। क्या बात है, खाना वाना आ गया। हाँ, अगर कुछ लेना हो तो आप लोग इसमें से ले लेना। जी 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 बिल्कुल। चंदू जी, मैं देती हूँ। अरे आप छुड़ी ना, हम ले लेते हैं। आप रहने दीजिए ना, आप क्यों तकलीफ कर रही? चंदू जी ने आप चंदू कह सकती हैं। कुंडली बाद में बनवा लेना, पहले खाना खा लेते हैं। क्या कहा आपने? मैंने आप रखिए नाम,
कोनो बात नहीं, चंद्रकांता कैसे रहेगा जी? चलो चलो, महकू से तो अच्छा नाम है। महकू, ये नाम हमारी बहन ने दिया था जब हम छोटे थे, तो एक बार हम बिस्तर में ही कर दिए थे। तो हमारी बहन बोली है मैया बबुआ महका था, और ससुर तब से हम महकू हो गए। ओके महकू जी, ये सैलेड ले लीजिए। ये घास पत्ता? घास पत्ता, ये खाने से बॉडी से एसिडिक वेस्ट क्लीन होता है और बॉडी के अंदर नए सेल्स और टिश्यूज फॉर्म होते हैं, जिससे कि आपको एनर्जी मिलती है। समझे काका? कि और समझाऊं? नहीं, समझ। बांस ले ली। वो भी छिला हुआ। नहीं नहीं, साला सही कहते हैं, पढ़ लिख के आदमी बौरा जाता है। हमें अटका एक बात बताओ, इस साला बॉडी में एसिड और ये सेल कैसे घुस सकता है? क्या बोल रहा है? काम करो, हम चाहे साला फंस जाए और चाहे तो हमारा पैसा भी मत दो, पर इस ससुरी को ठोक डालो अभी के अभी। ससुरी बहुत दिमाग खराब करती है यार। अच्छा, आपको याद है ना, आज मॉल जाने वाले हैं। ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन। आया बगलंडू, ओ टेंशन का औलाद। वो तो गली 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 गुन अरे बंद कर गाने लगी, महलों में पली। आप रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होके आती हूँ। बन के जोगन चली। बाय मेरा रानी दीवानी कहानी बनाने लगी। चाय पीजिए मालिक, अपने हाथ से बनाए हैं। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग। राम राम बिटिया। चाय पी। पापा जल्दी से अपना क्रेडिट कार्ड दो, मैं आज बहुत सारी शॉपिंग करने जा रही हूँ। अरे अभी तो शॉपिंग की थी तुमने। अरे दे दो ना, एक ही तो बेटी है तुम्हारी। थैंक यू पापा, अपना ख्याल रखना। यू आर द बेस्ट। कौन साथ में जा रहे हो? और चंदू के साथ। प्रणाम सर। अटका को भी लेके जाओ जी। जो हम तो सुबह से तैयार बैठे। बाय। चलिए चलिए। तुम कहाँ? जी वो बहुत काम है घर में। चलो 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 महकू, तुम अपने काम पे लग जाओ। साला सबसे चिकनी गांड हमारी है।
तुमरी होगे ससुरी, हमरा तो बाल बहुत है। अरे गरीबों को पैसा देना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। आपके पास तो बहुत सारे पैसे होंगे है ना? ओके नहीं है तो मैं पापा से दिलवा दूंगी, ठीक है? भैया चलिए। चाहता है और चंद्र जी कुक नहीं है,
मेरी सिक्योरिटी के लिए आए हैं? मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। Why would anyone want to kill me? यहाँ के सारे फोटोग्राफ चाहिए मुझे, और जिसने भी इन्फॉर्म किया उसका बयान ले, कोई मिस्टेक नहीं चाहिए मुझे। प्लीज पीछे चलिए, प्लीज प्लीज पीछे चलिए, हम आगे करो तो क्या ना बक जाएगा। चलिए मैडम प्लीज पीछे चलिए। आगे कितने बजे फोन आया था? आधे घंटे पहले। मैं किससे किया था? मॉल की सिक्योरिटी। कब से है ये यहाँ पे मॉल में? सीसीटीवी कैमरा का फुटेज वगैरह मुझे सब कुछ चाहिए। गांव देखने से लगता है ये गोली पास से ही चलाई है, कोई गैंग वॉर लग। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हैं? शूटिंग चल रही है पिक्चर की, शूट आउट हुआ है, गोली लगी है। ए यार क्या रे प्रश्न विचार है यार, सब नहीं छोड़ दो ना, पीछे पीछे जाओ, पीछे एवरीबॉडी भागे और चल पीछे जाओ। क्या हुआ था मॉल में? साहब जब हम शशि जी को लेकर बाहर मॉल से निकल रहे थे तो किसी ने उन्हें गोली मारने की कोशिश की। काउंटर में मैंने भी वार किया, वो मारा गया। बाकी मैं और अटका शशि जी को बचाकर घर ले आए। आप चिंता ना करें, जब तक हमें शशि जी को कुछ होने नहीं देंगे उनका बाल भी बाका नहीं होगा। क्या गलती है मेरी? बस इतनी ही कि मैं गलत लोगों का साथ नहीं देता। मेरी ईमानदारी मेरी बेटी की जान की दुश्मन बन गई है। गलती मुझसे बस ये हो गई कि मुझे शशि को कहीं बाहर भेज देना चाहिए था। बस एक बार शशि को मैं सेव कर दूंगा, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। सर छोटी मोह बड़ी बात, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा धर्म से रक्षा है अधर्म आता पापम न भवति यत सनातन धर्मम रक्षा है भवति। सर अधर्म का विनाश करना पाप नहीं होता, ये तो सनातन धर्म की रक्षा होती है। पता नहीं क्यों चंदू, मुझे तुम पर बहुत भरोसा होता है। ए, चल, उठ, उठ। मैडम आ रही है। सलाम। कौन है ये? कौन है ये तो सेफ है, राणा के लिए काम करता है। है नहीं था, ऐसे लोगों को है से था होने में वक्त नहीं लगता। यकीन से कैसे कह सकता है कि ये तौसिफ है? पवार साहब पे गोली चलाने के लिए मुझे इसी ने घोड़ा दिया था। चल बैठ। रांझा तेरे पीछे हीरे, और सब कुछ बदल गया धीरे धीरे। औरतों की तरह ताना का मार रहा है। साफ साफ कहो कहना का चाहते? बड़ा गीता बांच रहे थे, इतने भी ना समझ नहीं है आप? कहना का चाहते? हम तो उड़ती चिड़िया के झांटे गिन लेते हैं, और आप तो हमारे बड़े भैया हो। तो अरे कारे ढको लौंडिया को, मॉल को घुमाने लगे थे। तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं हूं मैं, अगर वहां उसको ठुक देता तो यहां महको और बिटवा फंस जाते। बस अरे कह कारे थे कि लौंडिया के जाल में फंस गए, हम मारने आए बचाने नहीं। और आप कबूतर है, कठोर ठिकाना ठैया, और उस साली मछली है।
कबूतर मछली का प्यार नहीं हो सकता। काहे कि कबूतर पानी में आ नहीं सकता और मछली जल में रह नहीं सकती। चले हैं कबूतर और मछली का प्यार बनाने के लिए और हमको सलाह काट बनाने के लिए बोल रहे हैं। अरे आपके नाम से चली गोली अपने सीने पे खाए थे हम। ये देखिए देखिए आज भी है सीने पे दाग। बचपन में जब कंचा खेल रहे थे ना तो गुल्लियां खत्म होकर अपनी जेब से निकाल के बंदूक की गोली दी थी। हमारे भैया है साले हारने नहीं चाहिए। और हम नहीं छोड़िए आपके तो नाम की हवा बहती थी गाँव में चंद्रभान के नाम की हवा। कालेज में जब गोली नहीं चला पाए ना तो आपके बदले गोली हमने चलाई थी। तो सिफुआ से पूछा था कि साले गोली कहाँ ने चलाए उसने कनपट्टी पे बंदूक रखे कहे थे कि मादर चौद भैया से कुछ मत कहना। पर हमारे भैया एक लौंडिया के चक्कर में चंद्रभान से चंदू और चंदू से लंडू हो गए। यही ठोक देंगे। लौंडिया के चक्कर में आप भूल गए कि हम आपके छोटे भाई हैं। आपके पैतरे हमसे अच्छा कौन जान सकता है। सही निशाना लगाया आपने। उड़ा दीजिए हमारी खोपड़िया। पर हमारी गोली भी साथ साथ चल गई ना तो आपके सीने को भेदते हुए आपके दिल तक जाएगी जो अब आपका नहीं रहा। ये क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो ये? सवाल? अरे इसको समझाओ। चल मजाक चल रहा है साला। इधर नहीं मारेंगे लौंडिया को। नहीं चाहिए पैसा। चलो बिस्तर पैक करो सब। चलो भागो यहां से निकलो। नहीं रुकना है यहां। चला बात बात पे बात बात पे। और एक बात सुनो सालो तुम दोनों को मरने का भी हक नहीं है। काहे जिंदगी हमारी दी हुई है। साला कूड़े के ढेर से उठा के लाए थे तुमको वहीं छोड़ आते तो अच्छा था। और अगर तुमको ही सब करना है ना मारा मारी तो फिर पहले एक गोली इधर मारो एक गोली उधर मारो। हम दोनों को मार के जो सलाह करना है करो। हेलो कहाँ भैया? चलो इश्क लड़ाएं सनम। क्या चल रहा है सोन मछली के साथ? हम बताने में गलती कर दिए क्या जो तुम लड़की के बदले में लड़के को टोक दिया? अरे मार रहे थे लेकिन वहां पर बहुत सारा भीड़ था। अब कर देंगे काम। पहेलिया जब मधुमक्खी पालता है तो उसे अच्छी तरह पता होता है मधुमक्खी कब शहद लेने जा रहा है और कब शहद लेकर वापस आ रहा है। समझेगा? गए थे दो लोग पीछे रुक गए। काम लगभग अधूरा रह गया। रे तुम्हारे कहने का टाइम खत्म। अब हमरा सुनो। अब लगभग का काम मतलब है साला? हम तो 10 का दम खेल रहे का कि 90% काम खत्म हुआ और अब बस 10% बचा। कान में तेल डाल के सुनो। रात को गाड़ी घर के बाहर खड़ी रहेगी ठोक के निकल जाना और इस बार दोनों बकचोदी नहीं। और अगर नहीं होता है तो तुम चारों अपने लिए 4-4 कंधे का इंतजाम कर लेना और किसी पंडित से 4 अर्थी का पैकेज डील हम खुद ही कर लेंगे। क्या समझे? छोड़ते हैं। मैं मंदिर जा रही हूँ आप मेरे साथ चलेंगे? अब चलिए मैं आता हूँ। ऐसे टाइम पे भगवान का ही भरोसा होता है भैया। चले जाते साथ में पानी। Okay.
भैया आप पागलपंती मत कीजिए, आप रुकिए एक मिनट, आप सुनिए भैया, अरे भैया सुनिए, पकड़ा गया है क्या? अरे कहाँ हो गया है तुझे? अरे कहाँ बात हुई? पता नहीं, किसी ने कुछ बोला है कहाँ? इसके अटका, इधर आ, इधर आ बैठे चल। क्या बोला तू? कुछ बोला है क्या? देख साला तेरी वजह से रो रहा है वो, डूब के मर। हम क्या बोले? आज जो उनकी हालत है इसकी जिम्मेदारी खुद ही है। पकड़, चल। भैया ठीक है आप? आज जो हम आपसे बदतमीजी किए ना, उसके लिए हमको माफ कर दीजिए। हम जो कह रहे थे ना, आपके भले के लिए कह रहे थे, माफ कर दीजिए भैया। अरे बड़े भैया हैं आप हमरे, और आपको हम रोते हुए नहीं देख सकते। बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी किया है ना, वो सब आपने मुझे सिखाया। जो डांटते थे ना बचपन में, सब पैंट में मुंह देते थे हम, और आज हमारी वजह से रो रहे हैं आप। भैया माफ कर दीजिए भैया, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। माफी मांग रहे, चल बस भैया, माफ कर दीजिए भैया, माफ कर दीजिए भैया। एक तो बात पूछे, प्यार करते हैं कब से? बोलिए ना, बनाएंगे हमारी बौची? अरे बताओ ना, प्यार करते हैं ना? बोलिए ना। तो ठीक है, फैसला हो गया, उसको लेकर हम बिहार चलते हैं, उठा के लिए चलते हैं बिहार। वो आपसे थोड़ी प्यार करती है? अरे प्यार करती है तो ठीक है, वरना गांव में हम खुद ही प्यार करवा लेंगे। वहां आप करवा लेंगे? भैया आप रोइए मत, चुप हनुमंतवा। अरे उसको क्या होगा, वो तो घर भी जानता है हमारा, पीछे ही पड़ जाएगा बिल्कुल। बिहार जाने के बाद उस बेटी छुत को भी देख लेंगे। अभी फोन लगाइए, सारा बोल देता है वो काम नहीं कर रहा है। हाँ बोल दो, हमको नहीं करना है। सोना है तो सोच लिया, फिर बस हम नहीं करेंगे कुछ। करना ए चंद्रमान, बोलो। मिलना है साला, हमको भी बात करना, आ ही जाओ, मुंबई में है हम। मतलब मुंबई में है? पाली हिल रोड नंबर 12 पर कमल विहार बंगला पूछ लेना, छोड़ते हैं। मतलब साला, सरकार आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, उनको यहीं पे बुला लिया है, आज रात को आपका काम फाइनल हो जाएगा। लौंडिया को ठोकने के बाद कल इस टाइम पे वो लोग अपने घर पे होंगे, बिहार में। बिहार में नहीं, वो लौंडिया को जैसे ही ठोककर बाहर आएंगे मेरा आदमी उन्हें ठोक देगा। टेंशन नहीं पाड़ूंगा मैं, अब उसके 8 लाख भी तू रख लेना। अरे सरकार, गजब हो गया है, क्या बात है? सरकार इस बात पे एक टॉपिक बनता है। हाँ। वैसे सरकार अगर ये बात है तो साला पवार को क्यों ठोकवा दे? मत नहीं, मतलब हम समझ नहीं पाए तो पूछ लिए। वैसे हनुमान सिंह समझ के काऊ काट लिया आज तक है? नहीं समझने में भलाई है, हिंग लगे न फिटकारी माल चोखा। साला पर्जी का 8 लाख रुपए कमा लिया, बताइए क्यों? राणा साहब आईसीपी बैठ। आज रात को सारा टेंशन दूर करके मैं थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, तू संभाल लेना। हो सके तो आज रात को ही निकल लीजिए राणा साहब, ये आईजी हाथ धोकर पीछे पड़ी है। ये कौन है? तेरे डिपार्टमेंट का है, सीनियर इंस्पेक्टर हरमन सिंह, यार पुलिस। किससे मिलना है? हनुमंत जी ने बुलाया। महेश साहब, कोई हनुमंत जी से मिलने है। क्या नाम है? चंद्रभान। चंद्रभान साहब जी, साहब जी जी जाइए। आ जाओ। आवा हूं राणा साहब, यही है आपके कर्णधार। कुछ बात करनी है। रत्ता भाई तो बुलाया, बैठ के कर लो।
हम लड़की नहीं मारेंगे। मतलब क्यों ब्रांड से प्यार हो गया कि भाजी को रान कह रहा था मार दिए ठीक है ना भैया। ससुर बोरा गए कब राणा साहब को मार दिस। अबे इनके लिए बुलाया था मुंबई यही दे रहा था पैसा दे। अरे इसको भी मार दिस। अरे पगला क्या कर रहे हो बे तुम। नहीं अच्छा ऐसा उतना पाप कम दुनिया में है। अच्छा किया चंद्रभट बहुत अच्छा किया तुम। अच्छा अब बाबा क्या बचा रहे काम तो बचा नहीं अपन कहां चलते हम भी चलते वैसे अगर तुम्हारा कोई संदेह तो चिट्ठी देना गांव में तो बता इसका क्या करे क्या करे मतलब क्या तरकारी क्या करे मतलब क्या चलते गांव बता रहे हैं। साला साइलेंसर दिया था खुदा ही साइलेंस हो गया। चलिए भैया जयराम जी। अरे सुनिए भाई साहब साहब बहुत गुस्से में थे पता नहीं हमको भी बहुत गरिया है अंदर बिना पूछे किसी को जाने मत देना। अच्छा ठीक और सब ख्याल रखिए। साला ये करो वो मत करो इसकी तो तुम क्या कर रहे हो बे गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं अब तो भैया की शादी होगी खुल के नाचेंगे। भैया की शादी भैया है कहाँ कहाँ गए कब से दोनों लोग हमें क्या पता बोल रहे थे दारू पियेंगे और परमिशन लिए नहीं है। अब तुम जाओ परमिशन लेकर आओ जाओ बूढ़े से पूछ कर आओ। बूढ़े तो हुआ जाओ तो परमिशन। अच्छा शिवानी अपनी भाभी से भी मिलाएंगे होने वाली भाजी मैं तुम्हारी आशीर्वाद लेके आना भौजाई से मिलाएंगे जा। अरे सुनो अब क्या है अरे अगर हाँ हो जाए तो चखना ले आना। अब चखना भी चाहिए हम नहीं जाएंगे चखना लेने। तुम अजीब आदमी हो यार छोटा सा कप अब परमिशन लेने भी हम जाए चखना लेने भी हम जाए कि हम नौका लग रहे हैं यहाँ पर। अच्छा जाओ जाओ बेटा जाओ जाओ जल्दी तलब लगी है ना जाओ चखना वगैरह कुछ नहीं लाएंगे बता रहे। अच्छा उबला हुआ अंडा कुछ भी नहीं लाएंगे हम। अच्छा अच्छा हमारे इससे का मुंह फिर इसकी माँ का मुंह इतना तो हमको ही पड़ेगा। कमेल जी क्या हुआ। अब वो भैया लोग कह रहे थे कि आज उनका दारू पीने का मन है तो पी सकते हैं क्या। खाना खा लिया तुम लोगों ने। जी खाना ठीक है लेकिन पीने के बाद कोई ऊपर नहीं आएगा। जी जी इस साला इंग्लिश चटनी चिपकता बहुत है। अबे आ गए पूछा है हैं पूछा है बता क्या है कि आज दारू पियेंगे साला डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अरे तुम सर परमिशन लेने गए थे कि ऑर्डर। अरे वो छोड़ो आप भाई कुछ समझा इसको पगला। आज एक पैग से काम नहीं चलेगा भैया आज तो पूरी की पूरी बोतल पीनी पड़ेगी। बोतल पीनी पड़ेगी। अरे कहाँ है बोतल भाई लेकर आए थे बिहार से ये देखो देसी दारू गांव वाले हम इसके ऊपर बैठे थे हमें मालूम नहीं था। सारा मूंगफली चुन के खा रहे हो यार नहीं अटका तुमने करवा दो यार साले इतना बढ़िया बात किया ना सुना को सुन ना किसको उठा के लेके जाएंगे मेहरारू बनाएंगे ब्याह करेंगे पुणिया चलेंगे दोस्त साले हम गंदा काम छोड़ देंगे क्या बोलते हो बोलो ना। देख साला बोलते हैं ना कि जब जब जो जो हो इकबाल आ गए हाँ जब जब जो जो होना है तब तब सोसो होता है। बोलो साला क्रिमिनल हम साला मारने वाले लोग ये लौंडिया पसंद किए तो बंगले वाली भैया
अरे बड़का भैया देखो भैया लड़की बिल्कुल बिल्कुल सीता मैया है। तुम तो मैया ही बोल रहे हो। हाँ और मैं बताऊं हमको अभी घर के अंदर अपना सब ठीक ठाक करना पड़ेगा। ये जो साला नंग धड़ंग उठ के चले आते थे एक आदमी नंगा आ सकता है बस शादी है तुम भैया शादी बहुत मारेंगे तुम्हारी गांड तोड़ दूंगे तो फिर बचेगा कहाँ। अरे मजा आ गया यार। अच्छा सुनो ये जो दोनों बंदूक है इसको साला गंगा जी में फेंक दे। रास्ते में इसको बेच देंगे। बेच देंगे इससे दारू का पैसा आ जाएगा पैसा। अरे यार हाँ एक बात है सुनो ना मेरे को लेकर निकल जाएंगे ना उसको कोई खतरा तो नहीं लगता। अरे भैया हम सब प्यार गांव में करवा लेंगे करवा लेंगे प्यार करती है नहीं करेगी तो करवाएंगे ना आपकी शादी के बाद पुष्पा भाभी। देखो भाई मैं चाह रहा हूँ कि एक ही मंडप में दो लोग निपट जाएं तो अच्छा है। पुष्पा को विधवा करने के चक्कर में लगे हो। विधवा करने के चक्कर में लगे जब तुम मरोगे तो तुम्हारा अर्थी भी हम ही उठाएंगे देखना। कितना देर में चला जाएगा। बहुत नशा हो गया अब मत पियो ना ये महकू। सुनो रात तो पूरा बोतल खत्म होगा। हमारा बात कहाँ पी रहे हो यार। समझे या आप लौंडियों से प्यार करेंगे और हम आपको घर नहीं देंगे हैं? दिमाग खराब हो गया है आपका। कितनी बार समझाए थे कि लौंडिया बाजी मत कीजिएगा लेकिन आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। आपका यादाश्त कमजोर हो गया है। जो लौंडा बिहार से दारू की बोतल ला सकता है वो मुंबई स्टेशन पे हवलदार की बंदूक लेकर भागे थे। कैसे बोल सकते हैं आप। रखे संभाल के साला बचपन से बताए थे कि एक ही नदी है जो उल्टी बहती है और हमको साला उसी में तैरना है। केक तो कटेगा पर बिल्कुल नहीं बटेगा। बचा नहीं पाएंगे आप। महलों में पली कण
के जोगन चली। मेरा रानी दीवानी कहने लगे। समझाए थे भैया को कि साला लौंडा भर्जी बंद करना, लेकिन साला उसके दिमाग में भूसा भर गया था। तुम तो साली उसके उसके दिमाग में ही घुस गई। अरे कहाँ है तुझमें जो मेरा भाई उसे छीन लिया, मेरा बचपन का भाई भाई छीन लिया। मरना मत भैया, मरना मत भैया, मुझसे कुछ चंद सांसें उधार ले ले बस, एक बार लगा ले तो मुझे। दरवाजा खुला, किस्सा खत्म। भैया, भैया,
भैया माफ कर दो भैया, गलती हो गई भैया मुझसे। चाहता तो मैं भी इसे मार सकता था, लेकिन मार नहीं पाया। शायद मेरे जमीर ने मुझे गवारा नहीं किया या फिर उसके प्यार ने। गांव ही अच्छा था, वहां नदियां होती हैं, कूदने पर अपने आगोश में तो ले लेती, लेकिन शहर, यहां तो विशाल का समंदर होता है जो हर चीज को बाहर फेंक देता है। हमें तो यह भी नहीं मालूम था कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। गलती मेरी थी कि मैं प्यार कर बैठा। बता पाया न बचा पा, लेकिन भगवान की भी लीला अब रंपार है। अपने ही अतीत को अपने सामने लाकर खड़ा कर देता है वो। देखो वो है अटका, किसी और गुनाह में अंदर आया। साला भैया बोलता था आपको हमेशा, साला यही कहता था कि एक ही नदी है साली जो उल्टी बहती है और हमको उसी में तैरना है। साला आज देखते हैं ना हमको, तो देखो वे पंजाबी में बोलते थे। चाहता तो मार देता, लेकिन रिश्ते के नाम पर यही तो बचा। खुद भी डूबा, हम सबको लेके डूब गया। जेल में बड़ा ही गिरी करके कुछ पैसे हमने कमाए, इसको लख में जमा, हमारे तो कोई काम के नहीं। आजीवन कारावास जो लगा अब गरीबों में दान देते ना, उन्हें दान तो बहुत पसंद, उनकी आत्मा को शांति मिले। सृष्टि जी के
मैडम मिलने का टाइम खत्म हो गया। समय के कालचक्र ने सब कुछ बदल डाला। जो कल था वो आज नहीं, और आने वाले कल की तो कोई बात नहीं। मानव शरीर एक गुल्लक के समान है, जिसे इंसान अपने अच्छे और बुरे कर्मों से सींचता है। सही कहते हैं, समय असमय तो इंसान खुद ही तय करता है। शायद यही कहानी थी उन चारों की। मैं मुद्रा, एक उपन्यासकार, एक नई लेखिका के लिए इससे अच्छी कहानी नहीं हो सकती थी। पर आज जब मुझे सब कुछ पता है, फिर भी भावनाओं के इस भंवर का अंत में लिखना नहीं चाहूंगी। सगरो नगरिया अन्हरिया, सगरो नगरिया अन्हरिया हो, सगरो नगरिया अन्हरिया डगरियो न सूझल हो राम, किया हो राम हो रामहु, चार चोर बर जोर सरब धन लूट लभो राम, चार चोर बर जोर सरब धन लूट लभो राम, किया हो रामहु काम क्रोध मद लोभ सरब धन लूट लभो राम, जो गली गुलक गुलक वा मोरा फूट लगो राम, कहिया से जो गली गुलक गुलक वा मोरा फूट लगो राम, अरे चार चोर बज चोर सरब धन लूट लगो राम। हो राम हो चार चोर बर जोर सरब धन लूट लगो राम, चार चोर बर जोर सरब धन लूट लगो राम, अरे चार चोर बर जोर सरब धन लूट लगो।